अंबिकापुर के गांधीनगर पुलिस ने शहर के गोधनपुर में देसी रिवॉल्वर व एक जिंदा कारतूस के साथ बौरीपारा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। देसी रिवॉल्वर के साथ पकड़ा गया आरोपी इसे बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसे पकड़कर गांधीनगर पुलिस ने कट्टे को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा ने बताया कि बीते 30 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना मिली कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के गोधनपुर शिव मंदिर के पास बौरीपारा निवासी राजेश जायसवाल देसी रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है। सूचना पाकर गांधीनगर पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी द्वारा रिवॉल्वर को कमर में दबाकर छुपाया था। वहीं पूछताछ पर आरोपी ने देसी रिवॉल्वर को बेचने की बात बताया है। गांधीनगर पुलिस आगे की जांच शुरू कर दी है कि आरोपी ने देसी रिवॉल्वर कहां से लाया और किसे बेचने जा रहा था। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 30/10/2021 को मुखबिर से सूचना मिला, प्रतापपुर रोड गोधनपुर शिव मंदिर के पास राजेश जायसवाल निवासी बौरीपारा एक देसी रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, जिसकी सूचना पर हमारा स्टाफ जाकर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद तलाशी लेने पर पैंट के नीचे एक रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस पकड़ा गया था मिला, जिससे पूछताछ करने पर वो किसी ग्राहक को बेचना बता रहा था। उस पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 626 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला न्यायालय भेजा जा रहा है।